हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के ऑटोकैड की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 2D और 3D की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, ताकि आप लोग सीख सकें ऑटोकैड को। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज जो है हम लेके आए हैं दोस्तों, ये अगर आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ड्रॉइंग जो है दोस्तों, ये है ड्राइंग, ठीक है दोस्तों। अब इस ड्राइंग में दोस्तों आपको दिख रहा है, ये येलो लाइन है, येलो कलर की लाइनें दिख रही हैं, ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, या फिर ये स्काई ब्लू कलर के दिख रही हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं लेयर दोस्तों। क्या कहा जाता है? लेयर। जैसे अगर मैं आपको इस ड्राइंग की दिखाऊं, तो इस ड्राइंग में बहुत सारी लेयर क्रिएट हो रखी हैं। आपको भी अकॉर्डिंग टू योर यूज जो है दोस्तों, ये लेयर क्रिएट करनी होती है। ये लेयर कैसे क्रिएट करती है, की जाती है, ये आज हम आपको वीडियो में सिखाने वाले हैं। साथ में और भी बहुत सारी कमांड्स आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये हमने एक शीट प्रिपेयर कर रखी है, और एक स्केल के अंदर ये शीट प्रिपेयर कर रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं ये शीट कैसे प्रिपेयर होती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लिंक मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट की जाती है लेयर, ये पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी हम लेयर क्रिएट करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप क्या करेंगे, लेयर कमांड का जो है कमांड देंगे। लेयर कमांड जैसे ही आप देंगे, तो आपके सामने खुलता है इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स, ठीक है दोस्तों। ये डायलॉग बॉक्स जो खुलता है, इसको आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। हम सपोज करते हैं हम लोग ब्रिक वर्क क्रिएट कर रहे हैं, ब्रिक वर्क, ठीक है दोस्तों। ब्रिक वर्क की लेयर हम लोग कर रहे हैं। ब्रिक वर्क आपको पता है दोस्तों, रेड कलर का होता है, तो यहाँ पर आप रेड कलर जो है वो चूज कर सकते हैं, और उसके बाद ओके कर दीजिए। अगर आपको उसको लाइन वेट को अगर चेंज करना है, तो लाइन वेट यहाँ पर जो है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग जो है दोस्तों, आप इसकी लाइन वेट चूज कर सकते हैं। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। और अगर आप इस लेयर को देखिए, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन व्हाइट कलर की आ रही है, बिकॉज अभी हमने जो है दोस्तों डिफॉल्ट लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे जो है लेयर कमांड मुझे ब्लैक रेड कलर की चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, लेयर कमांड पे जाऊंगा वापस, और यहाँ पर ब्रिक वर्क के आगे जो है ना एक टिक का निशान आता है, टिक का निशान हम कर देंगे, सेलेक्ट हो गया, मतलब दैट मीन्स ये लाइन जो है सेलेक्ट हो गई है, ये जो लेयर है वो सेलेक्ट हो गई। अब मैं एक लाइन कमांड देता हूँ, तो दोस्तों ये देखिए, आप लेयर कमांड जो है दोस्तों आपकी रेड हो चुकी है। इस तरह से आप जो है दोस्तों वेरियस जो है लेयर दे सकते हैं। अगर मैं दूसरी लेयर कमांड दूसरी एक कलर की देता हूँ, सपोज कीजिए मुझे पीसीसी ड्रॉ करना है, तो मैं पीसीसी को जो है ग्रे कलर में देता हूँ, पीसीसी को मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। पीसीसी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लू, तो पीसीसी ब्लू करते ही फिर मैं इसके आगे क्या करूंगा दोस्तों, टिक करूंगा, और ये ब्लू कलर जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं एक कलर देता हूँ यहाँ पर जो है दोस्तों, ये ब्लू हो गया, तो दैट मीन्स ये पीसीसी की लाइन जो है आप यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी काम करेंगे, तो जिस टाइप की प्रॉपर्टीज या जिस टाइप की लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिस भी मटेरियल को आप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है दोस्तों इस तरह से लेयर क्रिएट करनी होती है, ताकि आप जो है इजीली पहचान सकें कि आप कौन सी लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, या कि ये लेयर, ये जो कलर है, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप जो है दोस्तों वेरियस जो है कोड को यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सपोज कीजिए कि मुझे जो है दोस्तों ये जो व्हाइट है, तो मुझे इसका और इसका जो है दोस्तों ये सेम करना है। सपोज कीजिए ये लाइन जो है, अभी ये लेयर जो है दोस्तों व्हाइट है, मुझे ये करना है इसको जो है रेड करना है, सपोज ब्रिक वर्क के उसमें कलर देना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैच MA करूंगा, और ये देखिए MA कमांड जो है दोस्तों, मैच प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसको, मैच प्रॉपर्टी। तो अब जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों, अगर मैं इस लेयर को जो है इस प्रॉपर्टीज को अगर मैं इसकी देखूं, ये रेड कलर वाली जो है दोस्तों, ये क्या लेयर है, तो मुझे प्रॉपर्टीज खोलनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शॉर्ट कीज देके, तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर इसको भी ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, रेड कलर का दिखा रहा है, दैट मीन्स, और ये किस चीज की लेयर है, ब्रिक वर्क की लेयर है। तो इस तरह से जो है, अब मैं ये अभी जैसे सपोज कीजिए कि गलती से आपने जो है ब्रिक पीसीसी की लेयर कर दिया था, और आप चाहते हैं इसको भी जो है दोस्तों रेड को रेड करना, मतलब ब्रिक वर्क की लेयर में कन्वर्ट करना, तो आपको क्या करना होगा, MA कमांड देना होगा, और इससे इसको चले जाइए, और देखिए दोस्तों ये भी रेड हो गई, मतलब ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी ब्रिक वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आप जो है बहुत इजीली, अगर कहीं पर गलत हो भी जाए, तो इजीली आप जो है दोस्तों इस तरह से उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे ई एंटर, ई मतलब इरेज कमांड से ई, और इसको कर देंगे डिलीट। और इस आपको जैसे हमने पहले भी बताया, यहाँ पर स्पेस बार जो है ना दोस्तों, स्पेस बार किसका काम करता है दोस्तों, एंटर का काम करता है। तो आप एंटर कर दीजिए, तो ये स्पेस बार से जो है दोस्तों आपका ये डिलीट हो जाएगा। अब सपोज करते हैं दोस्तों, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन स्ट्रेट। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी अभी ये घूम रहा है, अगर मुझे सीधी लाइन खींचनी है 90 डिग्री पे, तो क्या करूंगा दोस्तों, मैंने पहले भी बता चुके हैं, F8 करेंगे यहाँ पर। F8 करने के बाद जो है दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन में ही अब मूव करेगा, ये देखिए ये 90 डिग्री पे ही
ये रोटेट करता है। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, मुझे इसके पैरेलल में एक लाइन खींचनी है 5000 mm पे, ठीक है। तो मैं क्या कमांड दूंगा दोस्तों, एक तो कॉपी कमांड दे सकते हैं आप, और एक दे सकते हैं ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट कमांड कैसे यूज होती है दोस्तों, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे आप उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, लाइन पैरेलल एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑफसेट ओ एंटर, जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा दोस्तों, तो यहाँ से अगर 5000 लिख देता हूँ मैं, 5000 लिखा मैंने, और फिर ये कहता है कि ये सिलेक्ट बॉक्स आ जाएगा। तो बॉक्स क्या कहता है, स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट, मतलब किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है। तो ये जैसे ऑफसेट है, तो मैं इस तरफ करूंगा तो इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ करूंगा तो इस तरफ, ये इक्वी डिस्टेंस पे, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 5000 mm का। अगर मैं इसको चेक करना चाहता तो लीनियर में जाऊंगा, यहाँ से चेक करूंगा, यहाँ से चूज करूंगा, ये हम लोग देख रहे हैं। बट यहाँ पर दोस्तों अभी आपको दिखाई देगा बहुत छोटा सा, ये हम पहले बता चुके हैं। अगर मुझे इसको बड़ा करना है तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए मुझे डिस्प्ले का ऑप्शन DIM डायमेंशन स्टाइल जो है दोस्तों, STYLE आप कर सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल जैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट हाइट को चेंज कर देंगे, टेक्स्ट हाइट को मैं 100 कर देता हूँ और एंटर कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है ये 100 हो चुका है। अब ये इजिली दिखाएगा कि ये जो है 5000 mm की डिस्टेंस पे ये लाइनें क्रिएट हुई है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों, ये चीज हो गया। अब एक चीज मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर मुझे सपोज कीजिए एक यहाँ से लाइन मैंने एक ड्रॉ करनी है, ठीक है दोस्तों, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इन लाइनों को जो है दोस्तों हमें एक्सटेंड करना है, मतलब इन लाइनों को जो है इस लाइन पे मिलाना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, EX कमांड देंगे और एंटर कर देंगे। तो एंटर किसको करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जाते ये एक्सटेंड हो गई, और इस पे ले जाते ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी क्या चीज, एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों कैसे किया, EX कमांड एक्सटेंड, EX मीन्स एक्सटेंड कमांड, EX जहाँ इसको आपको ऊपर तक ले जाना है तो इसको कर दीजिए, इसको अगर आपको ऊपर तक ले जाना है तो इसको कर दीजिए। तो देखिए ये एक्सटेंड हो गया। क्या करना है दोस्तों, EX एंटर, और जिस ऑब्जेक्ट को आपको इस लाइन तक मैच करना है तो उसको कर दीजिए, और इसको भी अगर मैच करना है तो लेफ्ट क्लिक करिएगा, लेफ्ट क्लिक माउस का लेफ्ट क्लिक, ठीक है दोस्तों। तो ये कर दीजिए, तो ये हो गया। तो इसको अगर मुझे, अगर सपोज कीजिए मुझे ये हटानी है, इसके साइड के हटानी है, तो मुझे क्या करना होगा, ट्रिम करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों कैसे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम, अंडू कर लेते हैं, और TR ट्रिम, ठीक है, एंटर, दिस एंड दिस मुझे हटानी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, TR कमांड देंगे, एंटर करेंगे, स्पेस दबाओगे, मतलब उसके बाद जो है जिसको भी आपको हटाना है, जिस ऑब्जेक्ट को हटाना है, इसको तो हटा ही नहीं सकते, लेकिन इसको आप ट्रिम कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इसको भी हटाना है आपको तो इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये स्टेप से बन जाएगा। सपोज कीजिए मुझे इसके पैरेलल में एक लाइन आनी है, इसके अपोजिट में मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कॉपी कमांड से जो है इस बॉक्स को मैं क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से उठाया मैंने और बिल्कुल यहाँ तक ले आया दोस्तों, देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट। अब लेकिन अभी जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट इसके सीध, मुझे इसको क्लोज करना था, ठीक है, बट ये कहाँ आ गया, जहाँ पे मैंने क्लिक किया था। इसको कैसे करेंगे, एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं, CO कॉपी देंगे, CO एंटर, और जहाँ से उठाना है ना दोस्तों, यहाँ से मैं उठाऊंगा और बिल्कुल इसके सीध में ला के रख दूंगा। तो देखेगा दोस्तों ये बिल्कुल सही जगह पे आके रुकेगा। तो क्या करना है दोस्तों, CO कॉपी कमांड, CO एंटर, इसको क्लिक कीजिए, पहले ऑब्जेक्ट को चूज कीजिए, फिर एंटर करिए, ठीक है दोस्तों। मतलब ये आपने कंफर्म कर दिया। अब कहाँ से उठाना है, जहां से आपको पिक करना है वहां से लेके जाइए और दूसरे एंड पे लेके आइए, ठीक है, इसके सामने वाले एंड पे, देखिए ये। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों क्या आप कर सकते हैं, इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कमांड से बहुत कम टाइम में एक अच्छी खासी ड्रॉइंग को क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने कौन कौन सी कमांड डिस्कस की दोस्तों, लेयर कमांड, डायमेंशन स्टाइल, और आपका दोस्तों F8 कमांड जो हमारा ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ होता है वो कमांड, कॉपी कमांड, लाइन कमांड, और आपका मैच प्रॉपर्टीज जिसे हम लोग करते हैं, लेयर कमांड किया, और अभी हमने फिलेट और एक्सटेंड कमांड को भी यूज किया। तो दोस्तों इनसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में दोस्तों आप बहुत आराम से जो है ऑटोकैड को सीख सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कमांड्स लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।